अधिकतर लोगों के जीवन में हम देखते हैं तो खाने पीने, बाल बच्चे पैदा करने, परिवार का पालन पोषण करने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। खुद खाना और अपने परिवार को खिलाना, खुद रहना और अपने परिवार के रहने की व्यवस्था करना, इतना तो कुत्ते भी कर लेते हैं, चिड़िया भी कर लेती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य जीवन तो तब सफल है कि जिसका तन परोपकार में लगे, जिसका मन भगवत भजन में लगे और जिसका धन सत्कर्म में लगे, तो उसका पूरा जीवन सफल है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। तुम उसे दुनिया मत समझो, ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार करो तो अपना बेड़ा पार है। तो समाज को हमारे द्वारा कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले, ऐसा चिंतन जो करते हैं वो मनुष्य रूप में देवता है। शास्त्र में लिखा है कि 8 प्रकार के दान होते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, भूमि दान, कन्या दान, गौ दान, गौरस दान, सुवर्ण दान और अभय दान। आप किसी को सुवर्ण दो और चलते चलते गिर जाए, अथवा घर में से चोरी हो जाए, ऐसा हो सकता है। अथवा किसी को दारू पीने की आदत है तो आपका दिया हुआ सोना बेच के उसका जो पैसा आया उसमें से वो दारू पिए तो दाता को दोष लगे। आपने गौदान किया और गाय की बराबर सेवा नहीं हो तो देने वाला दाता को भी थोड़ा दोष लगता है। किसी को अन्नदान दिया, अन्नदान देना ठीक है, आपको भोजन अभी कराया तो 4 से घंटे के बाद देखो तो फिर भोजन पाइजिए। किसी को महीने की व्यवस्था, 2 महीने की व्यवस्था या 6 महीने की अन्न की व्यवस्था कर दी तो 6 महीने के बाद फिर चिंता। वस्त्र दान दिया तो वस्त्र दान देने के बाद भी वो 4-6 महीने के बाद फट जाता है। तो सारे दानों में कन्या दान दिया तो जमाईराज अच्छा है, गड़बड़ वाला है कि आपकी बेटी को मारता है, गाली देता है, छोड़ के गया वापस, लेने नहीं आता है, ये प्रॉब्लम बना रहता है। लेकिन समाज को सारे भयों से मुक्त करना, सारे द्वंद्वों से मुक्त करना और भगवान का अमृत प्रसाद रूपी सत्संग दिलवाने का काम करके उनको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना, यह सबसे बड़े में बड़ा दान है, उसको अभय दान बोल। तो ऐसा सत्संग लोगों तक पहुंचे, ऐसा प्रयत्न प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में करना चाहिए। हम जरा इतिहास में नजर डालें पूर्व में, तो ऋषियों ने कितनी कितनी मेहनत और कितना कितना परिश्रम करके अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को बचाया है। दधीची ऋषि थे, उन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। ऐसे ही हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को और अपने बेटे को भी दांव पे लगा दिया। ऋषियों ने, कणाद मुनि थे, कणाद मुनि, उनका नाम कणाद ऋषि कैसे पड़ा, किसान लोग खेती करते, खेती करने जो गेहूं बाजरा जो भी बोते हैं, फिर उसको काट के बैलगाड़ी में भर के ले जाते,
और जो बैलगाड़ी चलती है और उस चलती बैलगाड़ी में से जो अन्न के दाने गिर जाए नीचे अथवा खेत में वो धान आदि काटते समय जो दाने नीचे गिर जाते केवल उन्हीं नीचे गिरे हुए दानों को इकट्ठा करते थे अपने कपड़े की पोटली में, उसी को ठीक ठाक कूट पूट के भिगो के गर्म करके खाके और फिर भगवान का ध्यान करके फिर उपनिषदें लिखते थे। तो ऋषियों ने अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कितना परिश्रम किया। जब मैं छोटा था पैदा हुआ था कुछ दिनों का या महीनों का रहा तो हमारे घर के घर पे हम जहाँ छोटे बालक अभी पैदा ही हुए थे और कुछ दिनों के थे और महीनों के थे तो लीलाशाह बापू आए थे, बोले छोटा साईं कहाँ है। सुमल का बेटा कहाँ है, ले आओ उसको बाहर। तो हमारी दादी हमको उठा के बाहर ले आई। तो लीलाशाह बापू ने अपने तीसरी अंगुली से हमारे आज्ञा चक्र पर शक्तिपात किया था और अपना हाथ घुमाया था। वो कितनी बरसात थी, बरसात के दिन थे, बाहर बरसात चालू और छाता लगा के हमको बाहर ले आया गया। तो उनको बोला कि आप अंदर पधारो, बोले नहीं हम अंदर नहीं आएंगे, हमको जल्दी ही जाना है अहमदाबाद में, जहां शहर में छोटा घर था जिस घर को बापूजी छोड़ के बार बार चले जाया करते थे, वही घर में हमारी माँ दादी सब रहते थे। तो स्पेशल हमको देखने के लिए खास स्टेशन से वो घर तक आए। तो बोले आइए कुछ जलपान कीजिए, बोले नहीं हमको आगे दूसरे जगह जाना है, केवल हम तो उसको देखने के लिए ही आए नारायण को। नारायण मतलब ये आपके सामने जो बैठा हुआ नहीं है। तो अपना कृपा और आशीर्वाद रूप प्रसाद देके फिर आगे निकले। नैनीताल के जंगलों में अपने सिर पे पुस्तकों की गठरी बांध के गांव गांव जाते थे, गांव वालों को समझाते थे ये पुस्तक है, पुस्तक पढ़ो, इसका पैसा नहीं है, ध्यान से पढ़ना, अगले सप्ताह आऊंगा ये वाली लेके दूसरी दूंगा। गांव गांव जाके पैदल पैदल पहाड़ी रास्तों में पगडंडी वाले रास्ते, गाड़ी मोटर भी नहीं जा सकती थी। तो बुढ़ापे तक उन्होंने ऐसे ही संत पथिक जी महाराज, उनके गुरु जी नागा बाबा जी, उनके भी लिखे हुए इतने ग्रंथ साहित्य पुराने पुराने, उस जमाने में प्रेसें नहीं थी। तो महापुरुषों ने समाज को ज्ञान मिले, सत्संग मिले, लोगों का भला हो, कल्याण हो, उसके लिए कितना कितना परिश्रम और कितना कितना मेहनत किया। तो ये हमारे ऊपर देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण है। जिस पिता के द्वारा हम पैदा हुए, जिस ऋषियों ने उपनिषद लिख के हमारे को ज्ञान दिया और उपनिषदें वेद पुराण आदि दिया, और जिन देवताओं के द्वारा हमारे भीतर शुभ कर्म करने की वृत्ति और बुद्धि जागृत होती है, हम उन देवताओं के, उन पितरों के और उन ऋषियों के आभारी हैं, ऋणी। तो हमको समाज में कुछ ऐसा कर्म करके जाना चाहिए कि जिससे समाज को अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ मिले।
तो इसके लिए अपन थोड़ी देर भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु सतबुद्धि दो, हमारे भीतर शक्ति दो, ताकि हम अपने दैवी ज्ञान को जन जन के भीतर फैलाने का और सामाजिक उन्नति का कार्य कर सके, अपनी अपनी मिली हुई सेवा को ठीक से निभा सके, अपनी संस्कृति को फैला सके। कुछ धर्म वाले ऐसा सोचते हैं कि हम पूरे संसार में अपने धर्म को मिशनरी को फैला देंगे, जो हिंदू हैं उनको बदल के हम हमारे धर्म में ले लेंगे, यह हमारी सेवा है। और जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक डेढ़ डेढ़ करोड़ का चर्च बना रहे हैं, विदेशों से लाखों करोड़ों रुपया आता है। मुसलमान लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी कमाई का 20% हिस्सा अलग निकालते हैं, बोलो ये सोशल एक्टिविटी के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, अनाथाश्रम के लिए, वृद्धाश्रम के लिए। ईसाई लोग भी अपनी कमाई में से अमुक % निकालते हैं, बोलो ये हो गया ईसाई धर्म को बढ़ाने का। तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप हमको पैसा दो तब हमारा आश्रम बनेगा, आप हमको ये दो तब बनेगा। ये तो जिसका भाग्य होता है उसका धन, उसका तन और उसका मन लोक कल्याण में लगता है। अभागे आदमी का न तो तन लगता है, न मन लगता है, न धन लगता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनका तो फिर पैसा खाने पीने में और बीमारियों में, कैप्सूलों में, इंजेक्शन में, डॉक्टरों पे खर्च होता है, कोर्ट कचहरी में खर्च होता है, यहाँ तो फिर उस धन का नाश होता है।